हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सिस बैंक लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 15 रुपए की तेजी देखने को मिल रही है और ये स्टॉक 1.5% से भी ऊपर की मोमेंटम बनाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान देते, इस स्टॉक में पीछे के एक सप्ताह में 1.5% की तेजी देखने को मिली है, तो वहीं एक महीने में 4.5% के करीब की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है, परंतु 3 महीने में देखें तो 3.5% और 6 महीने में 3% से भी ऊपर की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है, परंतु 1 साल में 12% और 2 साल में 30% के करीब की रिटर्न दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर हम 6 महीने से देखें तो इस स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलाएगा, जहां पर इस स्टॉक में जैसा कि देखें तो इस स्टॉक में एक हाई बॉटम बनता हुआ नजर आया अराउंड 971 रुपीज। 971 रुपीज का इस स्टॉक में इस पॉइंट पर एक हाई बॉटम बनता हुआ नजर आ रहेगा। लॉन्ग टर्म में देखें तो इस स्टॉक में एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा, पर ऊपरी लेवल पर इस स्टॉक में अब एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जहां पर इस स्टॉक का अब नीचे का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है 860 रुपीज। 860 रुपीज का इस स्टॉक में नीचे का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आएगा, जहां से इस स्टॉक में एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अराउंड 847 रुपीज, 847 रुपीज के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट 938 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाते हैं तो वहां पर एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।